हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जी एडवांस के 15th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है जे एडवांस 2013 का, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपके सामने पीछे जो क्वेश्चन है वो है जे एडवांस 2015 का, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कंसेप्ट है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर एंड सोडियम आर 4.6 एंड 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर सिल्वर टू दैट ऑफ सोडियम इज, मतलब बात क्या हो रहा है यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है यहाँ पे। मान लो इस तरीके से आपके पास कोई मेटल है, आपके पास में क्या हो रहा है, इस तरीके से एनर्जी आ रही है, एच म्यू एनर्जी आ रही है। उसके बाद में यहां पर आपके पास मेटल का कुछ वर्क फंक्शन है, ठीक है ना। और फिर जो वर्क फंक्शन है एच म्यू माइनस होगा, यहां पर जो एनर्जी है एच म्यू माइनस होगा वर्क फंक्शन, दैट विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर एक्साइट होकर निकलेगा, ठीक है। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या है कि उसको हम लोग को रोक देना है, दूसरे टर्मिनल तक जाने नहीं देना है। तो उतनी ही एनर्जी हम लोग लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब E इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या है यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली वर्क क्या होता है, वर्क होता है क्यू इंटू वी। तो यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल है, और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो वर्क इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, उतना ही ऑपोजिट, मतलब जितना उसका काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर निकला था उतना ही ऑपोजिट उसको वर्क दे दे हम लोग, तो क्या है, वो दूसरे टर्मिनल तक रीच नहीं कर पाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वहां पर जो एनर्जी है वो आती है ईवी नॉट के बराबर, जो वर्क आता है कह लो ईवी नॉट के बराबर आता है, उसको इक्वेट कर दें काइनेटिक एनर्जी से जिससे वो बाहर निकलता है, और ये हमारे पास में एक्सप्रेशन निकल के आता है। अब देखो ईवी नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। हम लोग को ग्राफ किसका बनाना है, एच सी बाई लैमडा का कन्वर्ट करने की जरूरत था नहीं, कि हम लोग ग्राफ बनाना था स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है ही है, तो इसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत बेसिकली था नहीं यहाँ पर। सिर्फ वी नॉट और यहाँ पर ई जो है, इस ई से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो वी नॉट निकल के आ जाएगा हमारे पास में एच न्यू बाय ई माइनस फाई बाय ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ आपको दिखेगा, जिसमें कि जो स्लोप है वो आ रहा है आपके सामने h बाय ई। अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है स्लोप का, किसके किसके लिए, सिल्वर के लिए और सोडियम के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो यार, आपके पास में जो भी एक्सप्रेशन है यहाँ पर, इसमें क्या चेंजेस है, ये वर्क फंक्शन का चेंजेस है ना। वर्क फंक्शन सिल्वर के लिए अलग है और सोडियम के लिए अलग अलग है, लेकिन जो स्लोप आ रहा है ग्राफ का वो तो एच बाई ई आ रहा है। और एच बाई ई सोडियम के लिए हो, सिल्वर के लिए तो कॉन्स्टेंट है ना यार। एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। तो ये जो एच बाई ई है वो तो भैया क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो एच बाई ई का रेशियो दोनों के लिए क्या आएगा, सेम सेम आएगा, मतलब कि आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर यहाँ पर वन निकल के आएगा। जो एच बाई ई का रेशियो तो सेम ही होगा दोनों के लिए, वर्क फंक्शन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हाँ, अगर वाई इंटरसेप्ट वगैरह का पूछा होता तो हम लोग फिर फाइव, यहाँ से फाइव देखते, फाइव डिवाइड लगा के फिर आंसर निकालते, शायद टू निकल के आता है आंसर, समझ लो इस चीज़ को। एच म्यू से एनर्जी आई, वर्क फंक्शन माइनस किए, जो काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकला इलेक्ट्रॉन उतना ही उल्टा काम कर देंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। ई इंटू वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू एक्सप्रेशन आया यहाँ से, वाई को स्टॉपिंग प्रोसेस से कंपेयर किए तो स्लोप निकल के आ गया, ठीक है। स्लोप दोनों के लिए सेम रहा। नेक्स्ट यही वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, थोड़ा ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने जानबूझ के मैं क्वेश्चन इस तरीके से लेता हूँ कि आपको एक प्रीवियस का क्वेश्चन, 2013 के क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व करके घर से जाता है तो उसको 2015 का क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। उसी तरीके से 2015 का क्वेश्चन सॉल्व करके कोई जाता है तो उसको शायद आगे आने वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। देखो क्या है, वही सारा कॉन्सेप्ट है। फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ लैम्डा, तो ठीक है भैया, वही वाला कंसेप्ट है। ये मान लो आपके पास मेटल प्लेट है, यहाँ से एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी है, एच सी बाई लैमडा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में था तो एच म्यू रहने दिए, यहाँ पर क्या लैमडा के टर्म्स में एच सी बाई लैमडा कर दिए। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट, ठीक है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है। तो मैंने क्या बताया, एक्सप्रेशन क्या बताया, यहाँ पे कुछ वर्क फंक्शन फाई होगा, तो एच सी बाई लैमडा माइनस द वर्क फंक्शन डैट इज इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट, सही बात है। यहाँ से क्या और एक्साइट होकर बाहर निकल रहा है, और फिर उस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग लगा रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट वेरिएशन ऑफ वी नॉट विथ लैम्डा एंड वन बाय लैम्डा। तो हम लोग ग्राफ बनाना है किसका किसका, वी नॉट वर्सेज लैम्डा का और वी नॉट वर्सेज वन बाय लैम्डा का। तो समझो इस चीज को, वापस से वही करते हैं। यहाँ पर वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच बाई ई इंटू सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई अपॉन ई, ठीक है ना। ये ऐसा यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको कुछ दिखने को मिलेगा। अब आप एक चीज चेक करो कि ये जो वी नॉट है ये लैम्डा के क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब बेसिकली क्या है, लैम्डा अगर आप बढ़ाओगे तो वी नॉट क्या है, कम होगा। लैम्डा बढ़ाओगे तो वी नॉट कम होगा। इसका मतलब वी नॉट वर्सेस लैम्डा का जो ग्राफ आएगा, यहाँ पर आपके पास में वी नॉट लैम्डा का ग्राफ है, वी नॉट लैम्डा का ग्राफ है, यहाँ पर वन बाय लैम्डा का आपके सामने ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वी नॉट और लैम्डा का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा,
हाइपरबोलिक टाइप का आएगा, लैम्डा इंक्रीज करोगे तो वी नॉट कम हो जाएगा और लैम्डा कम करोगे तो वी नॉट बढ़ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट दिखेगा। और अगर आप ग्राफ बनाते हो वी नॉट वर्सेस 1/λ का, तो वी नॉट वर्सेस 1/λ ये क्या है, 1/λ ही है ना, तो 1/λ से क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो वी नॉट वर्सेस 1/λ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो 1/λ क्या है, अगर आप 1/λ का एज अ होल वैल्यू को बढ़ाओगे तो वी नॉट बढ़ेगा, और 1/λ एज होल अगर आप घटाओगे तो वी नॉट घटेगा। तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसमें स्ट्रेट लाइन दिख गया आपको 1/λ से, और यहाँ पर हाइपरबोलिक दिख गया लैम्डा से, ठीक है ना, ये दोनों ग्राफ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ए और सी निकल के आएगा। और अगर आपको मैं थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताने का ट्राई करूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, ठीक है ना, 1λ के बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है। सोच के देखो यार क्या होगा, ये यहाँ पर एनर्जी आ रहा है HC/λ से, अगर लैम्डा को हम लोग बढ़ाते जाएं, लैम्डा को हम लोग बढ़ाते जाए तो एनर्जी क्या है वो कम होता जाएगा, HC/λ ओवरऑल वैल्यू कम होता जाएगा, लैम्डा बढ़ाएंगे तो एनर्जी कम हो जाएगा, लैम्डा बढ़ाने से एनर्जी कम हो जाएगा, तो एक पॉइंट पर क्या होगा कि जो एनर्जी इंसिडेंट है वो वर्क फंक्शन से भी कम हो जाएगा, है ना। तो जब वो एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम होने लगेगा तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर एक्साइट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर एक्साइट ही नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात का देना, समझ रहे हो। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर एक्साइट ही नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पर इसको आप लोग थोड़ा एनालाइज करो ताकि आप लोग इस ग्राफ को समझ पाओ, और फिर इस क्वेश्चन को तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा, और आपने से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए बने रहिए।